चैनल ऑनलाइन करंट अफेयर्स के माध्यम से आप लोगों के सामने 9 मई 2020 का डेली डोज करंट अफेयर्स लेकर हाजिर हूँ। और मैं कहना चाहूँगा आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं डेली ऐसे ही हर दिन का करंट अफेयर्स लेकर आप लोग के सामने आता रहता हूँ। तो चलिए समय न बर्बाद करते हुए अपने सेशन की ओर चलते हैं। तो आज का पहला सवाल देखते हैं। केंद्र द्वारा हाल ही में सड़क व बुनियादी ढांचा उपकर और विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क में वृद्धि की गई थी, इसमें से किसे राज्यों को सौंपा गया है? तो इसका उत्तर होगा विशेष अतिरिक्त उत्पाद को राज्यों को सौंपा गया है। इसका कुछ डिटेल जान लेते हैं दोस्तों। तो कुल वृद्धि के बीच सड़क और बुनियादी ढांचा पर उपकर केवल केंद्र के राजस्व में जाएगा, जबकि विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क 42% पर बिजलत के माध्यम से सभी राज्यों को दिया जाएगा। यह निर्णय वैश्विक बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट और लॉकडाउन के दौरान कम मांग के कारण लिया गया है। चलिए अब हम लोग अपने दूसरे सवाल की ओर चलते हैं। हाल ही में विश्व थैलेसीमिया दिवस कब मनाया गया है? तो इसका उत्तर होगा 8 मई को। अब थैलेसीमिया क्या है दोस्तों? तो हम लोग जान लेते हैं कि थैलेसीमिया ये रक्त में संबंधित विकार होता है, जिसमें कि रक्त में हीमोग्लोबिन नहीं बनता और लोग बीमार पड़ जाते हैं। तो हाल ही में इसका मतलब एक अवेयरनेस प्रोग्राम चलाया गया, थैलेसीमिया दिवस मनाया गया था कब? तो 8 मई को। चलिए हमारे पास अगला सवाल है। किस देश ने अपनी मुद्रा को बदलकर तोमान करने का फैसला किया है? तो इसका उत्तर होगा ईरान। तो ईरान ने अपनी मुद्रा को बदलकर तोमान करने का फैसला किया है। अगला सवाल है, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम ने अभिनेत्री दिया मिर्जा के कार्यकाल को भारत के सद्भावना राजदूत के रूप में कब तक बढ़ा दिया है? कहने का मतलब है कि संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के अभिनेत्री दिया मिर्जा का जो कार्यकाल था वो बढ़ाकर कब तक कर दिया गया है? तो 2022 तक। इसका उत्तर हो जाएगा 2022 तक। हाल ही में आई WHO की रिपोर्ट के अनुसार अप्रैल माह में कोरोना के प्रतिदिन कितने मरीज हुए? तो 80,000। इसका उत्तर होगा 80,000। अप्रैल माह के अकॉर्डिंग जो WHO का रिपोर्ट था उसके अकॉर्डिंग प्रतिदिन 80,000 कोरोना के मरीज हो रहे थे। तो चलिए अगला सवाल है, IMD ने जम्मू और कश्मीर के भारतीय मौसम संबंधी उप प्रभाग में किस क्षेत्र को शामिल किया है? तो इसका उत्तर होगा लद्दाख, गिलगित बल्तिस्तान और मुजफ्फराबाद। इन सबको IMD ने भारत के मौसम संबंधी उपप्रभाग में शामिल कर दिया है। IMD क्या है? तो इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है दोस्तों, जो कि भारत के मौसम विभाग मतलब बहुत सारी जानकारी के बारे में वो डेटा रखता है। और ये इसी संस्था ने बताया है इसके मौसम के बारे में, इसने भारत में इसका मतलब क्या कह सकते हैं कि भारत के साथ ही इसका एक प्रभाग में ही जोड़कर शामिल करके ही बताया है। तो चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। हाल ही किस शहर में स्थित LG पॉलीमर प्लांट में भारी गैस लीक त्रासदी हुई? तो आप लोग जानते हैं दोस्तों, न्यूज में ये चल रहा है कि अभी विशाखापत्तनम में, इसका उत्तर हो जाएगा विशाखापत्तनम। विशाखापत्तनम में LG पॉलीमर प्लांट नाम की कंपनी में एक जहरीली गैस का रिसाव होने के कारण काफी सारे लोगों को मौत हो गई और काफी सारे लोग मतलब वहाँ परेशान है। तो 500 kg केमिकल हवा में वहां मिल गया था, जिससे लोग का जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। तो चलिए अगला सवाल है, हाल ही में किसने धोकर पुनः इस्तेमाल किया जाने वाला मास्क बनाया? तो इसका उत्तर हो जाएगा IIT दिल्ली, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी दिल्ली ने ये मास्क बनाया है। तो अगला सवाल है, हाल ही में अर्थव्यवस्था और सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रबंधन के लिए ADB ने किस देश को $500 मिलियन का ऋण दिया? तो उसका उत्तर हो जाएगा बांग्लादेश, एशियाई डेवलपमेंट बैंक। ADB का मतलब एशियाई डेवलपमेंट बैंक, दक्षिण पूर्व एशियाई क्षेत्र के विकास के लिए वित्तीय संस्था है ADB। हाल ही में प्रत्येक जिला अस्पताल में वेंटिलेटर वाले बेड की सुविधा प्रदान करने वाला राज्य कौन है? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश ने अपने सभी जिला अस्पताल में वेंटिलेटर बेड की सुविधा प्रदान की है। अगला सवाल है, हाल ही में एजुकेशन एंड लीडरशिप ड्यूरिंग अ क्राइसिस पर 2 दिवसीय वेबिनार हुआ था कहाँ? तो जम्मू कश्मीर में, जम्मू में हुआ था। हाल ही में किस राज्य सरकार ने सेवानिवृत्ति की आयु बढ़ाकर 59 साल किया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा तमिलनाडु। कहने का अर्थ है कि रिटायरमेंट की उम्र बढ़ाकर 59 साल कर दी गई है तमिलनाडु में। हाल ही में रॉब गिब्स का निधन हुआ, वो कौन थे? रॉब गिब्स एक निदेशक थे दोस्तों, तो इसका उत्तर हो जाएगा निदेशक। उन्होंने काफी सारे कार्टून मूवीज या कैरेक्टर्स में अपनी आवाज भी दी थी। अगला सवाल है, हाल ही में टाटा ग्रुप ने किस फार्मेसी कंपनी के 50% हिस्सेदारी खरीदी? टाटा ग्रुप ऑफ कंपनी ने जेनेरिक आधार नाम की फार्मेसी कंपनी का 50% शेयर खरीदा, अर्थात उसमें हिस्सेदारी खरीदी है।
हाल ही में एल्सा ईएलएसए कॉर्प ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? तो अजिंक्य रहाणे को, अजिंक्य रहाणे को एल्सा का कॉर्प ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। जो ये एल्सा जो है वो फाउंड किया गया था जेवियर एंग्वेरा के द्वारा। इट इज बेस्ड ऑन ऑल ऑफ AI, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे बेस एक मतलब टेक्नोलॉजी है जिसमें लोगों का इतना उद्देश्य है कि लोग अच्छे तरीके से फॉरेन लैंग्वेज को बोल सकें। तो अंत में जाते समय मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। मैं इसी तरीके का रेगुलर बेसिस पे करंट अफेयर्स, टॉप लेवल के करंट अफेयर्स लेकर आता रहता हूँ, जो कि आपके एग्जाम्स में काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होंगे। धन्यवाद।